बिहार में महागठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ जीतन राम मांझी जहां मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस में पद पाने के लिए होड़ मची हुई है। कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के लिए सोनिया गांधी तक का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवाने में मैडम सोनिया गांधी की भूमिका अहम रही है। इन नेताओं का कहना है कि सोनिया गांधी ने ही बीच में मध्यस्थता कर सरकार का गठन करवाया है। मंत्री पद को लेकर भी चल रही खींचातानी की भी खबरें हैं। सोनिया गांधी की भूमिका को लेकर कयासबाजी का दौर पहले से जारी था, लेकिन अब उस पर कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने मुहर लगा दी है। प्रतिमा दास ने कहा कि मैडम सोनिया गांधी ने महागठबंधन सरकार के गठन के लिए जिस तरीके से मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, उससे उनको गर्व होता है। इसी बीच खगड़िया से विधायक छत्रपति यादव द्वारा खुद को मंत्री बनाए जाने के लिए आलाकमान को पत्र लिखे जाने पर कांग्रेस के अंदर बवाल शुरू है। छत्रपति ने एक वीडियो भी जारी किया था, इसमें कहा गया था कि मैं यादव हूं इसलिए मुझे मंत्री बनाइए। दूसरी ओर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने एक कदम आगे बढ़ाकर महागठबंधन सरकार में हिस्सेदारी की मांग कर दी है। अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को कम से कम 4 सीटें मंत्री पद की मिलनी ही चाहिए, क्योंकि विधायकों की संख्या के आधार पर कांग्रेस का इतना हक बनता है। वही कांग्रेस नेता प्रतिमा दास अब तक सिर्फ सरकार बनाने में मैडम की भूमिका पर बात कर रही हैं। उनका कहना है कि मंत्री किसे बनना चाहिए इसका फैसला हाईकमान पर छोड़ देना चाहिए। वो बोली कि मेरी तरफ से कोई दावेदारी पेश नहीं की जा रही है, हाईकमान का फैसला ही सर्वोपरि होगा। खबर है कि सभी विभागों के बारे में महागठबंधन के बीच अंतिम फैसला हो जाएगा। कांग्रेस के नामों पर अंतिम मुहर कल दिल्ली में हाईकमान की तरफ से लगना तय है। बिहार कांग्रेस की तरफ से भक्त चरण दास नामों की सूची लेकर दिल्ली रवाना हो गए। यहां पार्टी हाईकमान के साथ उनकी बैठक होगी और नामों पर अंतिम मुहर भी लगेगी। कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान, संतोष मिश्रा समेत कई विधायक फिलहाल दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, ताकि आलाकमान के सामने अपनी दावेदारी मजबूत कर सके। बिहार में फ्लोर टेस्ट यानी 24 अगस्त से ठीक पहले स्वतंत्रता दिवस के बाद 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। राज्य में बुधवार को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने शपथ ली थी। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव दूसरी बार डिप्टी सीएम बने हैं। बता दें कि महागठबंधन में छोटे बड़े मिलाकर कुल 7 दल शामिल हैं। वहीं 7 दलों की ओर से 164 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी नीतीश कुमार ने राज्यपाल को मंगलवार को ही सौंप दी थी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।